अच्छा, अब तुमको उसी फॉर्मूले का एक और नया वाला वर्जन सिखाने जा रहा हूं मैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी वी। डेल्टा वी तो हो गया। हाँ लिखो, अब हम लोग सॉल्व करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके दूंगा कि दैट डेल्टा एच को मैं क्यू पी भी लिख सकता हूँ। डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू चला गया, ये प्रूफ करने जा रहा हूं मैं। ठीक, पहले मैं ये प्रूफ करूंगा, हाँ उसके सर। बाद मैं ये प्रूफ करूंगा। क्यूपी को मैं डेल्टा एच के बराबर प्रूफ करूंगा, क्यू वी को मैं डेल्टा यू के बराबर प्रूफ करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि मैं इतना सब करने क्यों जा रहा हूं। पहले कर लेता हूँ प्रूफ, फिर बताता हूँ उसका यूज क्या है। चलो पहला लेते हैं, फर्स्ट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी लाने जा रहा हूं मैं। ओके वी हैव डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट? ये है हमारे पास। हाँ यस डेल्टा एच इज सर। इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ ये इक्वेशन वन हो गया, दिस इज इक्वेशन टू। ऑल्सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। ये वर्क डन का डेरिवेशन जब सॉल्व किया था तब ये रिजल्ट आया था। हाँ सब्स्टिट्यूटिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी इन इक्वेशन टू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी बराबर। और अगर ये मैं अच्छा क्यू, हाँ ठीक है, इसमें से क्यू अगर पी डेल्टा वी को उस साइड भेजता हूं तो क्या हो जाएगा?
यही होगा। हाँ बराबर ना, ये फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर वाला है कि नहीं, ये वाला, दिस फॉर्मूला इज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, यस। तो यहाँ पे ये जो पी क्यू है ये कौन से कंडीशन में दिया था हमने, कांस्टेंट प्रेशर में ही दिया होगा, फॉर्मूला ही कांस्टेंट प्रेशर में चल रहा है, मुझे कैसे पता कि कांस्टेंट प्रेशर में चल रहा है। यहाँ देखो प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं, अगर प्रेशर चेंज हो रहा होता तो डेल्टा वी होता, पी लिखा हुआ है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, राइट right? तो क्यू लिखने की जगह मैंने बस क्यूपी इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये समझ जाए कि जो हीट मैं दे रहा हूँ वो कौन सी कंडीशन में दे रहा हूं, मैं कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहा हूं मैं वो हीट, ठीक है। नाउ लेट्स मेक इट इक्वेशन 4 बराबर, क्या हमारे बटाटे वाली आग काम कर रही है, फ्रॉम 1 and 4 क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, क्यू आप कोई भी यूज कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल जो तुमको जमे वो यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ बुक्स में स्मॉल लिखा रहता है, कुछ बुक्स में कैपिटल लिखा रहता है। पहला काम हो गया मेरा। दूसरे काम की तरफ, दूसरा क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी प्रूफ करना है। इसके लिए मैं सीधा सीधा लिखूंगा, वी हैव डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू, राइट, ऑल्सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, यस, यस सर, देयरफॉर डेल्टा यू वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं इस इक्वेशन को जज करूं तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यू को मैं लिखूंगा क्यू वी, ताकि समझ जाए तुमको कि हीट में कौन सी कंडीशन में दे रहा हूं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे दे रहा हूं मैं, एंड डेल्टा वी का क्या होगा, इट विल बिकम जीरो, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा कि नहीं, और डेल्टा यू वुड बिकम इक्वल्स टू क्यू वी, यस और नो, यस सर, दोनों प्रूव हो गए सर। ना हाँ, पहले ये दोनों लिख लो, राइट डाउन देम, Thank you.
ओके नहीं सर हो गया सर डन सर चलो अब ये जो दो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं अगर ये दोनों फॉर्मूलों को मैं यूज करूं तो मेरा जो मेन फॉर्मूला था अब वो कैसा दिखने लगेगा दो मेन फॉर्मूले थे ना मेरे एक था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एक ये था और एक था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ये दोनों में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी पुट कर दो तो दिस विल बिकम क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस P delta V. यहां पे क्या हो जाएगा QP is equals to QV plus delta NRT. तो ये उसी फॉर्मूले के दो फॉर्म है ठीक हाँ. तो अगर एग्जाम में QP वाले फॉर्म में आए या फिर डेल्टा एच वाले डेल्टा यू वाले फॉर्म में आए समझ जाना एक ही बात है एग्जामिनर हो सकता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्यूपी और क्यूवी की वैल्यू दे दे तो आपको उस टाइम ये पता होना चाहिए कि जो क्यूपी की वैल्यू है यू कैन टेक दैट सेम वैल्यू एज डेल्टा एच एंड द वैल्यू ऑफ क्यूबी कैन बी टेकन एज डेल्टा यू ना क्यूवी इज डेल्टा यू क्यूपी इज डेल्टा एच राइट चलो जल्दी से ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लो नो सर हाँ हाँ लिख लो मैं रुका हूँ एक मिनट अच्छा वो हम लोगों ने बॉगडन के फॉर्मूले से ये सब निकाला था ना कि कब बॉगडन बाय द सिस्टम है कब बॉगडन ऑन द सिस्टम है वगैरह वगैरह
ठीक ना, वो सेम वापस से मैं करने जा रहा हूं, पर इस बार हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो सिलेंडर लिया था, गैस लिया था, वगैरह वगैरह, बराबर। हाँ, इस बार मैं सिलेंडर नहीं लूंगा, गैस नहीं लूंगा, मैं किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर सेम वर्क डन निकालना सिखाऊंगा तुमको। ओके ओके सर। जिसको जिसको नींद आ रही है गर्दन घुमाओ, गर्दन घुमाओ, नींद चली जाएगी वरना गर्दन तोड़ दूंगा। जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। बिना आखिरी ख्वाहिश के मरना चाहते हो दोस्तों? अरे कुछ तो होगी, दो पैकेट मैगी खाना होगा ऐसा कुछ? नहीं, नहीं वो भी नहीं है। अरे चलो झूठ मत बोलो, शर्मा रहे हो तुम लोग। तुम लोग सोच रहे हो अभी यिप्पी कैसा बोलू, सर क्या सोचेंगे यिप्पी बोलेंगे तो? ठीक है ना, यिप्पी खा लो, यिप्पी खाना बेटा, खाना है फाइट, खाना है फाइट, फाइट फाइट खाना है। नींद उड़ाओ, नींद उड़ाओ, नींद उड़ाओ, नहीं एकाध की जान ले लूंगा मैं, प्राण ले लेता हूँ मैं, यमराज की टीम से हूँ मैं, आओ इधर। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा इतना ऊपर क्यों जा रहा है, ये कौन है? कौन है जो जल रहा है मेरे से? देर आर पीपल हु आर जेलस ऑफ मी, वो नहीं चाहते कि मैं सीधी लाइन में लिखूं। पर दोस्तों तुम जानते हो मैं भी जिद्दी हूं, लिखूंगा तो सीधी लाइन में। Work done in chemical reaction. चलो इतना ठीक है। अब देखो chemical reaction की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि last time जो reaction मैंने तुमको दिया था, जिसका तुमने work done निकाला था, वो एक physical reaction था। Physical reaction मतलब उसमें pressure और volume change हो रहे थे। Chemical reaction में हम लोग pressure और volume थोड़ी change करते हैं। तुम जब लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हो या तुम्हारे किचन में जब खाना बनता है, तब तो एक केमिकल दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होता है ना, तो केमिकल रिएक्शन में तो केमिकल केमिकल खेलते हैं हम लोग, बराबर। तो इसीलिए हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि जब ये होगा तब बताओ वर्क डन कैसे निकालेंगे। मैंने तुमको एक सिलेंडर में गैस भर के ये सिखाया था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, इस केस में कैसे निकालोगे? तो इस केस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो देख लो ना, कोई प्रेशर है ना कोई वॉल्यूम है, एक केमिकल है वो दूसरे केमिकल में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में वर्क डन निकालने के लिए योर फॉर्मूला वुड बी, पहले आप लिखोगे जो ओरिजिनल फॉर्मूला हमने बनाया था गैस के लिए, उसी से शुरू करेंगे। वी हैव डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, कैन आई से ऑल्सो P delta V is equals to delta NRT. दिया था ना मैंने? Therefore, W equals to minus delta NRT. Yes? Yes, sir. Now, ये उठाकर अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक G बना दे रहा हूँ। G stands for gas. आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स किसका देखोगे, गैस का देखोगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ना सपोज अगर इस तरह का रिएक्शन मैंने आपको दे दिया तो आप इस रिएक्शन से डेल्टा एन कैसे निकालोगे। तो पहले आप चेक करोगे इसमें से कौन कौन सा सॉलिड है कौन सा गैस है। मान लो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अब डेल्टा एन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एन का फॉर्मूला है एन टू माइनस एन वन। अब N2 में तो दोनों आने चाहिए, N of C भी आना चाहिए, N of D भी आना चाहिए, और फिर उसमें से माइनस होना चाहिए N of A plus N of B, यही होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। आधे लोगों का मुंह सूख गया, क्या लिख दिया ऐसा मैंने? नहीं सर। नहीं, ये टोटल करोगे पहले वाले का, मतलब ये टोटल दोनों को लोगे तभी तो N2 मिलेगा ना। N2 मतलब पूरे प्रोडक्ट का मोल,
तो पूरे प्रोडक्ट में तो दोनों आएंगे ना, और एंड वन मतलब पूरे रिएक्टेंट का मोल, तो पूरे रिएक्टेंट में भी दोनों आएंगे, ऐसे लिखूंगा कि नहीं मैं, पर जब मैं रिएक्शन में देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक इसमें है सॉलिड स्टेट में, तो मैं ए का मोल नहीं कंसीडर करूंगा। डी किसमें है लिक्विड स्टेट में, तो मैं डी का भी मोल नहीं कंसीडर करूंगा। तो होना तो यही फॉर्मूला चाहिए था, पर ऐसा होगा नहीं। फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, एनसी माइनस एनबी। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स को आप कंसीडर नहीं करोगे, इसका कारण आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो देखो अब हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो एक केमिकल रिएक्शन के लिए बन गया है कि नहीं? Yes, तो अब हम लोग इसके थ्रू किसी भी केमिकल रिएक्शन का वर्क डन निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने गैस के लिए निकाला था। चलो ट्राई करके देखते हैं फॉर्मूला। पहला केस, If n of p is greater than n of r, product का मोल reactant के मोल से ज्यादा है, then delta ng क्या आएगा? Positive, सोचो। अरे थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, सब मेरे भरोसे मत बैठो। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? डेल्टा एन का मतलब एनपी माइनस एनआर। एनपी अगर बड़ा है और एनआर अगर छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव आएगा। इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? नहीं। देयरफॉर डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होगा वो निगेटिव ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि डब्ल्यू के फॉर्मूले में ऑलरेडी एक निगेटिव साइन है। यहाँ देखो फॉर्मूला निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा, तो क्या मैं इसका मतलब ये निकालूं? जिसका मतलब क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बराबर? हाँ सर। इफ एनपी इज लेस देन एनआर, अब क्या होगा? डेल्टा एनजी निगेटिव। नेगेटिव, देयरफॉर डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू के फॉर्मूले में पहले से एक नेगेटिव लगा हुआ है, और ये वाला नेगेटिव इनटू दैट नेगेटिव फाइनली पॉजिटिव। यहां क्या लिखूं अब? वर्क डन ऑन द सिस्टम। यस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। टेक लास्ट। यस सर। बेटा आप मेरे से पूछ रहे हो या मम्मी से? डेल्टा एन जी क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं अगर दोनों इक्वल रहे तो? देयरफॉर डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल मतलब क्या निकला? नो वर्क इज डन डन। That's it. तो देखो NP और NR देखकर अब मैं किसी भी रिएक्शन के वर्क डन पे कमेंट कर सकता हूँ, यस और नो? यस। तो अब तक हम लोग सिर्फ कौन से चीजों का वर्क निकाल पा रहे थे? सिर्फ उस प्रोसेस का वर्क हम लोग निकाल पा रहे थे जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन में वर्क हो रहा है, मतलब रिएक्शन काम कर रहा है कि रिएक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, नाउ वी कैन फाइंड आउट, राइट? एंड हाउ कैन वी डू इट? कैसे करेंगे हम लोग ये? कैसे करेंगे? बस ये देखेंगे रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है कि रिएक्टेंट का मोल ज्यादा है। तो अब अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिख दू तो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को देखकर आप ये बता दोगे कि नहीं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बता दोगे? ठीक है, जाओ टीप लो, फिर तुम भी क्या याद रखोगे, जल्दी जल्दी टीपो।
ओके लिख लेने दो एक मिनट. जी तनु जी वहां पे पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे सेकंड वाले में मैंने नेगेटिव लिख दिया था ना, वहां पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ सर को चेंज कर दो. अब अपने को वो कंडीशंस देखनी है जहां पे डेल्टा एच और डेल्टा यू एक दूसरे के बराबर. हाँ रुक जाओ जरा एक सेकेंड रुक जाओ. अब वो कंडीशंस देखनी है अपने को जब डेल्टा एच और डेल्टा यू एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं. ठीक है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ये सबने लिख लिया है इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूं. वॉक टाइटल होना चाहिए कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. फर्स्ट कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच और डेल्टा यू एक दूसरे के बराबर होंगे. हाँ या ना सोचो. At constant volume, delta H and delta U would be equal to each other. Yes. How can I prove it? Since delta H is equals to delta U plus P delta V at constant volume, delta V is zero. Therefore, delta H is equals to delta U plus zero. Therefore, delta H is equals to delta U. Yes or no?
दो जन साथ में बैठे रिएक्शंस विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. रिएक्शंस विद सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. इस केस में भी डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आएगा. क्यों? कोई कारण? सिंस रिएक्शंस देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. किसी रिएक्शन के अंदर सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज आता है क्या? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना. यस. तो देयरफॉर अगेन वही ऊपर वाला ही लॉजिक लगाऊंगा. डेल्टा वी इज जीरो, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आएगा कि नहीं? ठीक. यस सर. वन मोर कंडीशन. जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे. तो पढ़ा ही दिया ना. डेल्टा एन कितना हो जाएगा? जीरो. देयरफॉर डेल्टा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था अपना. डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो. अरे जीरो पहले कैसा आ गया यार. डेल्टा यू प्लस जीरो देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. यस. हाँ लिख लो.
एक मिनट रुको, अब आप पढ़ोगे एंथैल्पी, ठीक। एंथैल्पी को अब आप केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करने जा रहे हो और इसमें थियरी बहुत है, तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये आप लोग ध्यान से टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। मैं आप लोगों को मेन मेन पॉइंट यहाँ पे लिख कर दूंगा सिर्फ, और बाकी पूरा समझाने का काम मेरा है। एक्चुअल जो नोट्स आप पढ़ोगे वो नोट्स आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, ठीक, समझ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में देखो कैसे डिवीजन बनते जा रहा है, पहले डिवीजन समझ लो अच्छे से। एंथैल्पी पहले तो हम लोग दो टाइप के रिएक्शंस का निकालेंगे, एक फिजिकल रिएक्शंस का और एक केमिकल रिएक्शंस का। अब ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे विच रिएक्शन इज फिजिकल एंड विच रिएक्शन इज केमिकल? Which reaction is physical and which reaction is chemical? How to find it out? ऐसे reactions जिसमें chemical formula same रहता है, ऐसे reactions को हम लोग क्या बोलते हैं? Physical reactions. So reactions in which chemical formula of a compound remains same. समझा? कौन से होते हैं ऐसे reaction? नमक लेके पानी में घोल दो, NaCl को पानी में डाल दोगे तो क्या NaBr हो जाएगा? नहीं। चलो तो फिर नमक को पानी में डिसॉल्व करना, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और अ फिजिकल प्रोसेस। फिर फिजिकल हुआ ना भाई, फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है ना, समझा? अच्छा, और आइस को लेकर मैंने मेल्ट कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? फिजिकल। फिजिकल अभी भी फॉर्मूला वही रहेगा, तो मतलब डिसॉल्व करना, मेल्ट करना। अच्छा, पानी को गर्म करके भाप बना दिया, नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस? फिजिकल। समझ गया ना? तो हर वो प्रोसेस जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता, दोज ऑल प्रोसेसेस आर फिजिकल। बट if a molecular formula changes or a chemical formula changes, then it is a kind of chemical process. Simple. तो पहले देखो physical process में तुम कौन कौन सा देखने वाले हो? Physical process में तुम देखोगे fusion, vaporization and sublimation. क्या होते हैं ये? ये तीनों के तीनों पहले किसमें आएंगे? ये तीनों आएंगे phase transition में। Physical process में जो सबसे common है वो है phase transition.
ठीक है, अब फेज ट्रांजिशन में भी तीन आएंगे, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये तीनों फेज ट्रांजिशन में क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब है कि ये तीनों के अंदर फेज ट्रांजिशन होता है। फेज ट्रांजिशन मतलब फेज बदल जाता है, फ्यूजन में भी फेज बदलता है, वेपराइजेशन में भी फेज बदलता है और सब्लिमेशन में भी फेज बदलता है। यहां फेज बोल रहा हूं मैं, फेस नहीं बोल रहा हूं, उनका मुंह नहीं बदलेगा, मुंह वैसा ही रहेगा तुम्हारे जैसा, समझा मोगलियों? तो पहला कौन सा? फर्स्ट वन इज फ्यूजन, सेकेंड वन इज वेपराइजेशन, थर्ड वन इज सब्लिमेशन। फ्यूजन में फर्स्ट इज फ्यूजन, देन वेपराइजेशन एंड देन सब्लिमेशन। फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड चेंजेस टू वेपर, क्या वेपर लिख दो ज्यादा प्रॉपर होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर, बिना लिक्विड में गए वो सीधा सीधा वेपर स्टेट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब देखो ये तीनों टाइप के रिएक्शंस में फेस चेंज हो गया है कि नहीं, पहले रिएक्टेंट का फेस कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। तो इन सब रिएक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ तो हीट का एक्सचेंज होता होगा ना, हर एक रिएक्शन का कुछ तो डेल्टा एच रहा होगा, राइट? सॉलिड लिक्विड में जाता होगा तो या तो एंथैल्पी रिलीज होती होगी, हीट रिलीज होती होगी, या तो हमको देनी पड़ती होगी, कुछ ना कुछ तो होगा डेल्टा एच, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जो भी डेल्टा एच होगा, भले चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऐसे रिएक्शन के डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एच के कितने नाम है? एक नाम है इसका हीट ऑफ रिएक्शन, दूसरा नाम है इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों में से कोई भी नाम कभी भी यूज करूंगा मैं, ठीक? तो ये जो मैंने डेल्टा एच निकाला है, ये डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। कौन से रिएक्शन की एंथैल्पी है? ये फ्यूजन के रिएक्शन की। तो तुमको नहीं लगता मैं इसका पूरा नाम रख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? हाँ सर। ये सेकंड वाले रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल सकता हूँ कि नहीं? लास्ट वाले के एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोल सकता हूँ कि नहीं? बराबर। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो आप क्या बोलोगे? सब्लिमेशन वाले रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर सब्लिमेशन का रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गई, बराबर। अगर आप डांस कर रहे हैं तो आपकी एंथैल्पी को मैं क्या बोलूंगा? एंथैल्पी ऑफ डांसिंग। अगर आप खॉप खॉप करके खा रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ खॉप खॉप ईटिंग, बराबर। दोनों हाथ से ऐसे ही खाते रहोगे तुम। तो आप ज्यादा साइंस में मत घुसो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर काम के एंथैल्पी को अलग से नाम दे देंगे तो बात करना आसान हो जाएगा ना। समझा? तो सर, जैसे अभी आप सुपरमार्केट चले जाओ, डीमार्ट चले जाओ, बिग बाजार चले जाओ, तो वहां पे सबके प्राइसेस लिखे होते हैं ना, पर अलग अलग लिखे होते हैं ताकि आपको समझे किसका क्या प्राइस है, बराबर। तो वैसे ही मैंने क्या कर दिया, फ्यूजन वाले रिएक्शन के एंथैल्पी को नाम दे दिया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन वाले को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और सब्लिमेशन वाले को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक? तीनों को अगर किसी एक ही नाम से बुलाना है तो क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। अगर एक ही नाम कॉमन नाम से बुलाना है तो फेज ट्रांजिशन, क्योंकि तीनों में फेज ही ट्रांजिट हो रहा है, राइट? और तो कुछ हो नहीं रहा है, बराबर। तो कॉमन नाम क्या हुआ इनका? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। स्पेसिफिक नाम क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये हो गया उनका इंडिविजुअल नाम। करना कुछ नहीं, मैं बस नाम रखने का काम कर रहा हूँ, बस नामकरण। समझा सर? तो ऐसे ही अब बस नाम रखते जाऊंगा मैं, जैसे जो रिएक्शन में हो रहा होगा उसी के हिसाब से आप नाम रख देना, बस बबलू और पिंकी अलाउड नहीं है।
ठीक है, आप इस तरह से नाम नहीं रख सकते, ये बदतमीजी हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। तो अब आप समझ गए रहेंगे कि मैं क्या करने वाला, कुछ नहीं, बस टाइप के अलग अलग टाइप के रिएक्शन लिखते जाऊंगा और जो उस रिएक्शन में हो रहा होगा वही उसकी इंथैल्पी का नाम बना दूंगा मैं। जैसे जब फ्यूजन हो रहा, अच्छा फ्यूजन को ही हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, आप लोगों ने आज तक जिसको मेल्टिंग बोला है उसी को आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में थोड़ा स्टाइल मार के अब आप फ्यूजन बोलेंगे, ठीक? अगर कोई चीज चल रही है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो मेल्ट हो रही है, आप बोलेंगे उसका फ्यूजन हो रहा है, सामने वाले को लगेगा कि आप पढ़े लिखे घर से, ठीक है? उसको वैसे भी नहीं लगेगा, आप जानते ही है शक्ल आपकी, मतलब ऊपर वाले का वो है क्या बोलते देन है कि इतनी गजब की शक्ल मिली है तुमको, तुम्हारा वीडियो अगर ऐसे ही चला दिया जाए ना बच्चे सीधे सीधे मान लेंगे कि कार्टून आ रहा है टीवी पे, पता है? हालांकि कार्टून बनाने में काफी मेहनत लगती है, पर तुम अपना वीडियो चला के देखो, मजा ले कोई बच्चा बोल दे कि ये कार्टून नहीं है, दो मिनट में पब्लिक कन्विंस्ड हो जाएगी, ठीक बेटा? तो अब ऐसा मैं आपके सामने पूरा चार्ट रख दे रहा हूँ, मीनिंग मैंने समझा दी, अब आप लोगों के सामने मैं पूरा चार्ट रख दे रहा हूँ, बना बनाया मेरे पास, तो आप लोग सीधा सीधा उसको कॉपी कर लोगे। ये रहा चार्ट, एक तो मेरे पास बना बनाया भी है, ऊपर से वो फ्री भी है, उसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। आ गया, ये रहा, डन। ये देखो कितना सारा है वो देख लो, और एक हाथ किडनी पे, एक हाथ घुटने पे, कभी भी अटैक आ सकता है। ये देखिए, ये इतना है, 6 है टोटल, ठीक? ये 3 ऊपर, ये 3 नीचे, एक ही पेज पे। खुशबू जी हो जाएगा, मैंने भी इसको एक ही दिन में लिखा था, बिल्कुल फिक्र ना करें, 8-9 साल में नहीं लिखा गया ये पत्थर पे नक्काशी नहीं करनी है हमको, ताजमहल नहीं बना रहे बेटा, चिंता नहीं करनी है, हो जाता है, देखो अभी होएगा, 5-10 मिनट में आप सब लोग निपटाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद इसको 10-15 मिनट में लिखा था, हो जाता है। कभी कभार इतना सारा देखकर बच्चों को लगता है कि यार अभी तो 2021 चल रहा है, मतलब 2023 तक यहीं बैठे रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, या जी अभी के अभी निपट जाएगा 10 मिनट के अंदर, शुरू हो जाए दोस्तों, शुरू हो जाए। गेट सेट गो बोलना पड़ेगा क्या? काउंटिंग डू? नहीं नहीं। तनु को पीटो, मुंडी हिला रही है, बोलती है हाँ पीटो इसको। जो एग्जांपल मैंने लिखे है वो एक एक एग्जांपल आपको याद करके जाना होगा, कभी अगर हमारा एग्जामिनर निर्दयी निकला तो फिर वो हमको बोलेगा राइट डाउन विद एग्जांपल, तो एग्जांपल हम ही देंगे ना, अब वहां ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ए को बी में कन्वर्ट कर दो, मार्क्स तो देगा नहीं, हंस देगा वो, समझ रहे हो? तो एक आध रियल एग्जांपल आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। अब मैं ऑनलाइन कैसे बोलूं कि इसकी चिट बना लो, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता ना, डांटेंगे। हाँ तो मैंने बोला कहाँ बना लो करके, मैंने कहाँ बोला बना लो, ए, मन, तो मन में पाप होता है ना, निकल के आता है बेटा वो, मन में पाप, मेरे मन में पाप नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चिट बना लो, आई सेड नहीं, पर तुमको सुनाई दिया कि सर बोल रहे हैं चिट बना लो, ये तुम्हारे मन का पाप है, मैं और चिट, तौबा तौबा, कुछ भी मजाल है। पढ़ाई के दिनों के अगर 5 साल निकाल दो तो ऊपर वाला जानता है कि मैंने कभी चिट नहीं मारी है। जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई ना उसके बाद से चिट मारने वालों से तो मैं 2 कोस दूर रहता हूँ, मतलब पढ़ाई करते तो मारी। हाँ। तब तो तब नहीं मारता बेटा, तो पास नहीं होता ना फिर, तो तब तो मजबूरी थी ना, उसके बाद लेकिन मैंने मजा ले कि कभी नहीं, फिर उसके बाद कभी नहीं किया मैंने, जब तब नहीं करता चिट तो पास नहीं होता, पास नहीं होता तो मैं तेको पढ़ा नहीं पाता, तू सोच ले थर्मोडायनेमिक्स तेरा डूब जाता, मैंने तेरे ही भले के लिए किया जो किया, इस समाज में किसी भले इंसान की कोई इज्जत नहीं है, तुमको पढ़ा सकूं इसलिए मैंने कॉपी तक मारा, लेकिन देख लो मेरे पे लांछन लगाया जा रहा है, मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, निर्लज्जू, मैंने क्या चिट मारा था, देश और इस समाज के लिए चिट मारा था, सोचो इतना। सॉरी सर, तो यार एकदम इमोशनल हो गया यार, तूने तो दिल जीत लिया यार, चोली अब साइड से मैसेज मत करना कि सर 20 रुपए भेजो, भरोसा नहीं है तेरा, तारीफ करने के बाद फिर बाद में साइड से मैसेज भी डालता है कि सर वो थोड़ा 20 रुपए देखो ना रहेगा, तो ये सब नहीं चलेगा, तारीफ कर दिया है तो मैं उसको फ्री में ले रहा हूं,
अभी रफली सिर्फ डेफिनेशंस लिख लो, बाद में उसको अच्छे से वो लाइन वाइन खींच खाच के उसको फेयर कर लेना, क्योंकि वो जरूरी है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये केमिस्ट्री वो थर्मोडायनेमिक्स का आप सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हो। बीच बीच में बीड़ी पीने जाते हो क्या रे? वीडियो ऑफ, वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ, वीडियो ऑन। नहीं सर। मेरे को तो लगता है हुक्का लेके बैठे रहते हो तुम लोग। नहीं नहीं। अच्छा नहीं, चीलम बराबर नहीं, नहीं सर, कुछ नहीं लेते। बच्ची पूछ रही है मंजे, कुछ नहीं बेटा, चीलम है ना वो डेरी मिल्क का नया कैडबरी है, चीलम नाम है उसका। तेरे कितने का मिलता है? ना ही खरीदो तो अच्छा है। अभी पीछे से मम्मी सुन ले ना तो फ्री में दिला देंगी। तनु मैं बताओ कि तेरी मम्मी को। हाँ बता दे, यही काम कर तू। हाँ सही। क्लासेस फालतू में तेरे पीछे लगी हुई है कि तेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तू जा जाके लड़कियों के घर पे चुगली किया कर, इसी को जॉब बना ले, बना ले। 50 रुपए भी एक जन से मिला तो नहीं, नहीं में तो दिन में 700-800 रुपए तो कमा ही लेगा, इसी को बना ले तू जॉब। नहीं सर। यार साई यार, अभी अभी इम्प्रेस हुआ था रे मैं तेरे से। सर वो सबसे चिढ़ती है इसलिए बोला। अरे तो वो चिढ़ती रहेगी ना भाई, तू काय के लिए ऐसा कर रहा है? तू अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रख। ये तो ऐसा हो गया कि कोई तेरे सामने आकर अगर शर्ट उतार के फेंक दे तो तू पैंट उतार के फेंक देगा। ये क्या बात हो गई यार। अभी अभी इस जन्म में पहली बार मैं तेरे से इंप्रेस हुआ था, तूने फिर से मेरे को निराश कर दिया। मेरे को लगा था कि अब लड़का मैच्योर हो रहा है, अब कुछ बनेगा, ढंग का इंजीनियर बनेगा। बताओ ये लड़कियों के घर पे जाके चुगली कर रहा है। बराबर। तो इसकी मम्मी को बता रहा हूँ। साई अच्छा है। तू बोलना क्या चाहती हूँ? मैं बुरा हूँ? नहीं ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा हाँ सर। सही अच्छा, क्या कर दिया उसने? कोरोना में सबको ऑक्सीजन बांट दी है। एग्जाम के आंसर बताए थे सर। सही अच्छा, मुंह देख लो साई का। तुम में से कोई वो अपने क्लास के आगे सीसीडी आता है उसके नियर में कोई रहता है क्या? नहीं, नहीं। कोई नहीं रहता। डीमार्ट के आगे, डीमार्ट के आगे कैफे कॉफी डे है। वहाँ एक्चुअली एक यमहा का शोरूम है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है यार, तुम लोग वही रहते हो। मैं बोला तुमसे ही पूछ लेता हूँ चालू है कि बंद है। बे उस साइड कोई रहता ही नहीं है क्या? कोपर खैरने से वाशी जाने वाले रास्ते पे? नहीं सर। नहीं।
नीचे वाला दिखा ना। ये हो गया सबका फेस ट्रांजिशन डन सबके लिए? नहीं सर नहीं। हाँ अच्छा ठीक है मैं थोड़ा ही नीचे लूंगा रुक जाओ। हाँ बहुत अच्छे एकदम सुर में दोस्तों। हो गया डन। यस सर। अब जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सुनो। देखो नाम से तो तुम डेफिनेशन तो खुद ही बना लोगे, डेफिनेशन नहीं बनी तो उसी में कोई गाना वाना लिख देना ठीक है। अरे हो जाएगा फिर नहीं बोल रहे निर्लज्ज। हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर तो डेफिनेशन तो तुम लोग लिख लोगे क्योंकि मैंने बता दिया नाम से ही डेफिनेशन बन जाएगी ओके। लेकिन तुमसे जो ध्यान रखने वाली बात है इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे और जब न्यूमेरिकल पूछेंगे ना तो देखो जिस जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है ना वो पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? जैसे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालना पड़ता है, वन मोल ही सब्सटेंस लेना रहता है। देख रहे हो हर बार मैंने येलो से हाईलाइट करके दिखाया है। हाँ, वो मत भूलना क्योंकि वो लोग क्या करेंगे तुमको जानबूझ के एक ऐसा रिएक्शन दे देंगे जिसके अंदर दो मोल बन रहा होगा और तुमको बोलेंगे कि इसका बाजू में डेल्टा एच लिख देंगे। ठीक समझा रहा उनको। आ गया ये रहा ये ये देखो तुमको इस तरह से एक ए प्लस बी या ठीक है चलो ओरिजिनल ले लो एच टू प्लस सी एल टू गिव्स ट्वाइस ऑफ एच सी एल। ठीक अब इसका मैंने डेल्टा एच यहां पे लिख दिया मान लो 100 किलो जूल पर मोल। ठीक 100 किलो जूल लिख दिया मैंने और तुमसे पूछ दिया बताओ इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अभी अभी मैंने क्या सिखाया जो यहाँ पे डेल्टा एच रहता है वही ये रहता है। हाँ। तुम तो यही उठा के चिपका दोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन के अंदर कितना मोल बना है वो दो मोल एचसीएल बना है ना। हाँ। और अपने को जो डेल्टा एच बताना रहता है उसके फॉर्मूले में मैंने हाईलाइट किसको किया था वन मोल को। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू गिवन है आप उसका क्या कर दोगे हाफ। समझा? क्योंकि गिवन वैल्यू किसके लिए है टू मोल एचसीएल के लिए ना। यहां से मैं वो वन मोल मिटा दे रहा हूं ये मिटा दे रहा सपोज करो बस इतना ही लिख के दे दिया उसने। ठीक और तुमसे पूछ लिया गया कि बताओ इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है या कुछ भी तो आप उसका डेल्टा एच लिखने से पहले चेक कर लेना कि क्या वो एक मोल के लिए गिवन है क्योंकि कंडीशन मैंने आपको लिख कर दी है वहां पे कि वन मोल के लिए ही वो वैल्यू निकाली जाती है। जितना ये आसान है उतना ही ज्यादा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि नाम में ही आंसर है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाओगे। डोंट डू दैट। लिख लिया वो पूरा? नहीं सर। नहीं सर। अब तुम लोगों ने लिखा ही नहीं था तो फिर मेरे को क्यों भेज दिया? नीचे वाला बाकी था ना। वाह तो कौन था जिसने मेरे को बेवकूफ बनाया क्या पता मालूम नहीं सर। पाकिस्तान पाकिस्तान उनकी साजिश है क्या? नहीं नहीं पॉसिबल हो सकता है यार मतलब इतना फेमस हो गया हूँ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ इट मींस आई एम सो फेमस। मैं टीवी पे आऊंगा क्या फिर जल्दी लाइव वगैरह ऐसा कुछ तुम लोगों को लगता है?
हो सकता है होता है तेरे को इसमें शायद लगाना जरूरी है, मेरे को भी पता है कि मैं फालतू का ख्याल देख रहा हूँ, बोल दिया होता मुंह फाड़ के शायद बोलता है जरूर आएंगे। मिर्जा गालिब का नाम सुना है? नहीं नहीं सर। अच्छा हुआ नहीं सुना, उनके लिए अच्छा हुआ ना, मतलब उनकी इज्जत बची रह गई। दुनिया के सबसे बड़े शायर थे ये, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि तुमको उनका शेर सुनाओ, पर जिस तरीके से तुम लोगों ने रिएक्ट किया, मन तो कर रहा है कि आके तुम्हारे पेट में ऐसा ऐसा फाइट मारूं ना। बताओ सर, प्लीज सुनो, बताओ सर। हाँ शायर तो पता नहीं है, शायरी तो सुने कम से कम, है कि नहीं? उनका एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। समझा तुमको कुछ नहीं होगा, एज यूजुअल जैसे कि थर्मो नहीं समझता शेर भी नहीं समझा होगा। गालिब साहब ने लिखा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, मतलब कि हमको पता है कि जन्नत हमको नहीं मिलने वाली, इतने पापी हम लोग क्या स्वर्ग में जाएंगे क्या? समझा, तो हम लोग इतने पापी है कि हमको पता है कि स्वर्ग वर्ग में नहीं जाने वाले। अगली लाइन में उन्होंने लिखा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, पर सोचने में क्या जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे, फ्री है ना सोचने को, तो हम पता है एक तरफ पाप कर रहे हैं जाएंगे तो नरक में ही, पर सोचने का हमेशा किसके बारे में, स्वर्ग के बारे में। जैसे अभी कैसे मैं सोच रहा था कि क्या मैं टीवी पे लाइव आ जाऊंगा और साई ने उसमें आग लगा दी मेरे थॉट में, तो इसीलिए मेरे को गालिब याद आया। मैं नहीं था, ओमकार था, ओमकार था। तू नहीं था क्या? ओमकार साई वाली मौत तेरे को है सर। साई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैंने मौत ट्रांसफर कर दी है, मैं यमराज को व्हाट्सएप कर देगा, वो अपना दूध उधर से ट्रांसफर करेगा, तू टेंशन मत ले। मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ कि चेंज द बस, डोंट टेक साई, टेक ओमकार। तो मुझे पता है कि मैं टीवी पे नहीं आऊंगा, पर सोचने में क्या जाता है, मिर्जा गालिब कह गए थे तो मैंने सोचा मैं भी सोच लूं, पर यहाँ हैं कुछ लोग जो जलते हैं, there are few people who are jealous of me। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी से बताओ, जिनको पढ़ा रहे वही लोग जल रहे हैं। आज इस देश की हालत ऐसी हो गई कि एक टीचर झूठ तक नहीं बोल सकता। मेरा बस चले तो मैं तो संन्यास ले लूं। अबे रोको कोई, बेशरम लोग जब टीचर ऐसा बोले ना तो उसको रोकने का रहता है, नहीं नहीं सर नहीं, ऐसा ऐसा ईगो ईगो सेटिस्फाई होता है, फिर भाव मिलता है तो अच्छा लगता है। लू सन्यास, लू लू मारू मीटिंग एंड, मारू मारू, नहीं नहीं सर, आप बराबर बोलोगे, इनके काम की चीज छीनो बराबर बोलेंगे। मैं श्योर हूँ जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ उस दिन तो सब लोग आके बोलेंगे अब ले लो सन्यास, आवाज आ रही है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। हो गया सर, हो गया फाइनली, बना लिया लास्ट वाला डब्बा, पिंक कलर से बना लिया, पिंक कलर से बन गया। बोला था कि पहले टीप लो बाद में अच्छे से लिख लेना, इनको कलर भरना था, नहीं हुआ। अरे यार बना, बना बना बना, मैं श्योर हूँ कि तू व्हाट्सएप की तरह आस पड़ोस में है ना, उसका इमोजी भी बना रही है तू, आई एम श्योर। इतना कौन देता है यार प्रेजेंटेशन लेके कुछ भी लिख डालने का यार, इतना टेंशन नहीं लेने का, इतना तो तुम्हारा एग्जामिनर खुद नहीं पढ़ेगा। इतना पढ़ा लिखा होता तो बैठ के तुम्हारे पेपर चेक कर रहा होता। हाँ एग्जामिनर अगर पढ़ा लिखा होता तो अमेरिका में होता ना, वो खुद बेचारा अनपढ़ है, आप बेफिक्र रहे, जो मन में आए लिखो तुम, देख लेंगे। अरे यार बोर हो रहा है यार, कुछ पढ़ाने दो यार, नींद आ रही है वैसे ही, तुम लोग इतना क्या लिखने लगते हो भाई। लिख के हो गया, ठीक है, कलर भरो, कलर भरो, भरो कलर, देख नहीं रहे बाकी के चार लगे हुए अभी तक, इनके बीच में अल्फाबेट कंपटीशन चालू है, किसका ए कैपिटल बनेगा,
किसका बना बे? बन गया ना सबका अब? हाँ। अब मरना नहीं कि सब बाकी है। अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा सेकंड वाले देखा कहा था ना, कहा था ना एकाद आएगा ही, मेरे को पता है ना एकाद आएगा ही। बोल दिया बेटा तेला बोल उतर दे बोल बेटा परत बोल कहां से हो बे? जंगल वंगल से हो? नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, एक्सप्लेन द एंथैल्पी। अच्छा सुनो सुनो, अगले क्वेश्चन का भी मेरे पास स्लाइड है, वो भी वहीं से कॉपी कर लो, तनु का भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, टाइम बच जाएगा क्योंकि वो भी थियोरेटिकल है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ये दो क्वेश्चंस का तो तुम्हारे जुगाड़ हो गया, किस्मत से ये मेरे पास पड़े हुए लिखे हुए। चलो तनु ये ले, तू ऊपर वाला लिख, तब तक ये लोग नीचे वाला लिखेंगे। तूने लास्ट टाइम आंसर दी थी रे, मेरे को याद है, तू भी क्या याद रखेगी। ऐसे मैंने इतने महीनों साई के आंसर सुने, तेरे को पता नहीं क्या बीतती है साई के आंसर सुनने पे। क्या बीतती है? अरे कोमा में जाना और साई का आंसर सुनना सेम है। थोड़ा का है ऐसा अटक अटक, पता नहीं एक तो कहां से उसने साउंड सिस्टम लाया है, टेक्नोलॉजी। चलो ये लिखो जल्दी, ये ले तनु जल्दी उसे ऊपर का लिख ले, तुम लोग जब तक यहाँ के तीन चार लाइन टीपो भाई। सर आपने ये क्या लिखा है, डेल्टा ए टी, समझ में नहीं आ रहा है। डेल्टा ए टी ओ एटमाइजेशन सबका शॉर्ट है ना, वो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एवरीथिंग इज गिवन देयर, इसीलिए मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। एटमाइजेशन मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का टूटकर उसके एटम्स में अलग अलग हो जाना। डेफिनेशन को अबे तुम लोगों ने लिखने के साथ साथ पढ़ा भी, पढ़ लो वो डेफिनेशन, अगले लेक्चर में किसी ने कुछ पूछा तो ठीक है पूछ लेना, क्या बताई दूंगा और क्या करूंगा, जॉब पे हूँ कुछ कर भी तो नहीं सकता, सामने होते तो बताता तुमको। सर मारने का नहीं, मारने का नहीं। अच्छा ढकेल सकते हैं सेकंड फ्लोर से? नहीं ये भी नहीं। हाँ सर वो कर सकते हैं। क्या फायदा है, ना मार सकते ना ढकेल सकते, कुछ तो अलाउड होगा। दो में से एक चॉइस कर, या तो सेकंड फ्लोर से ढकेलने दे और या तो पीटने दे, वरना टीचर बनने का फायदा क्या हुआ, इससे तो अच्छा प्लम्बर बन जाता, मेरा तो मुंह भी प्लम्बर जैसा है, मेरे को तो बहुत स्कोप होता, अच्छा खासा कमा रहा होता अगर प्लम्बर होता तो। एक के घर का पानी दूसरे के घर में छोड़ देता, ढकलूंडा के घर में इतना इतना पानी भेज देता कि सब बह रहे होते, तुम लोग डूब रहे होते, तैर रहे होते, नहीं? मैं बता रहा हूँ फास्ट लिखो, नहीं तो मैं बकवास करते रहूंगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता, सॉरी बोल बोल। ये अपन लप्पा छुप्पी खेल रहे क्या? नहीं सर। बोल के छुप क्यों जाते हो बे? सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। नीचे का दिख ही नहीं रहा है तो हो कैसे गया बेटा? नीचे वाला सेकंड स्टेप मैंने पूरा स्क्रीन पे ही नहीं रखा है तो कैसे हो गया? तो बोल रहे सर ये हो गया, नीचे का दिखाओ। वो तनु का क्या करने का, उसको छोड़ देने का? हाँ चलो तेरा हो गया तनु बेटा, ऊपर का नहीं सर ऊपर का दिखाओ ना। आयो पहले क्या कर रहे थे बे? सर वो नहीं, वो स्टेप वन ना, फटाफट चलो जल्दी जल्दी, प्रेजेंटेशन के साथ में लिखना है, फास्ट फास्ट लिखना है, टाइम बचाने के लिए तुमको बने बनाए नोट्स दिए और तुम लोग उसी में टाइम लगा रहे हो, इससे तो अच्छा मैं ही लिख देता। तो पढ़ते भी चलो रे बाबा, चल लिख ही लो फिर पढ़ाता हूं।
हुआ सर। देखो वहां पे हो क्या रहा है, आपसे पूछा गया है कि अगर आप नमक को पानी में डाल दो, ठीक, तो नमक को पानी में डालोगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना हीट के अंदर। या तो हीट हमको देनी पड़ेगी या तो वो खुद हीट लेगा वगैरह वगैरह। तो जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करोगे आप? वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व करते टाइम दो काम होते हैं। जो सॉलिड आप यूज करते हो वो सॉलिड किसी तो भी ऐसे स्ट्रक्चर में आता है, ये देखो इस तरह के किसी एक स्ट्रक्चर में होता है वो। ऐसे टोटल 14 स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम रिवाइज लिटाइसिस बोलते हैं। ये आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, उसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट है वो मैंने बनाया है। ओके, ऐसे 14 टाइप के स्ट्रक्चर्स में एक सॉलिड एग्जिस्ट करता है। अब आप क्या करोगे, इस सॉलिड को लोगे और इस तरह से भांडी बर्तन में डुबा दोगे। ये लिया आपने और ये आपने उसको पानी में डुबा दिया। जैसे ही आप पानी में डालोगे, देखो आप कर क्या रहे हो, डिसोल्यूशन, आप घोल रहे हो ना उसको, डिसॉल्व करने का सिंपल अर्थ है उसको आप घोल रहे हो। तो घुलते टाइम दो बातें होंगी, पहला कि ये सॉलिड टूटेगा। मान लो यहाँ पे उसका Na है, यहाँ पे उसका Cl है, ऐसा मान लो, ऐसा होता नहीं है बट समझाने का सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे Na मान लो, यहाँ पे Cl मान लो, यहाँ पे भी Na मान लो, यहाँ पे भी Cl मान लो, ठीक। तो जैसे ही आप इस सॉलिड को पानी में छोड़ोगे पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि इट विल ब्रेक। तो इसको हम बोलते हैं लैटिस का ब्रेक होना। तो इससे सर्टन एनर्जी निकलेगी, पहला काम तो यही होगा, दिस वुड बी द फर्स्ट प्रोसेस दैट इट विल ब्रेक। कौन ब्रेक करेगा इसको? वाटर, पानी इसको ब्रेक करेगा। जब पानी इसको ब्रेक करेगा तो या तो इसमें से एनर्जी निकलेगी या इसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। दोनों भी केस में इसका कुछ ना कुछ डेल्टा एच तो होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक। तो उसको हम लोग डेल्टा एच एल मान लेते हैं, डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। अब जब पानी इसको तोड़ देगा तो सारे Na अलग हो जाएंगे Na प्लस बन के और सारे Cl अलग हो जाएंगे Cl माइनस बन के, राइट। अब जितने भी Na प्लस है अगर तुमने उनको वैसे ही छोड़ा तो तुमको लगता है कि ये लोग ऐसे शांत बैठेंगे? नहीं, तुमको लगता है वो लोग इतने शरीफ है कि टूटने के बाद वो लोग ऐसे ही शांत बैठेंगे? आंसर है कि नहीं, नहीं। कौन बताएगा क्यों शांत नहीं बैठ रहे वो लोग? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज है और चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को वापस से अट्रैक्ट करके फिर से वैसे ही बन जाएंगे कि नहीं जैसे थे? हाँ। तो आप कभी जन्म भर में इसको डिसॉल्व कर पाओगे क्या? तो आंसर इज नो, यू वोंट बी एबल टू डिसॉल्व देम एट एनी टाइम इन योर लाइफ। आप कभी इनको डिसॉल्व नहीं कर पाओगे अगर इनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो। तो अब अगर आप चाहते हो कि ये वापस से अट्रैक्ट होकर वापस से ज्वाइन ना हो जाए तो आपको पानी के मॉलिक्यूल्स को बीच में लाना होगा। पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से बीच में आ जाएंगे। ये मैं वाटर बनाते जा रहा हूं, ठीक। देख रहे हो Na प्लस को वाटर ने पूरी तरह से सराउंड कर लिया है। डिड यू नोटिस कि Na प्लस के टाइम पे, रुक जाओ पहले इसका भी बना लू, इसको भी देखो वाटर ने सराउंड कर लिया है। अरे लेक्चर छोड़ के कहाँ जा रहे हो यार? कोई नहीं जा रहा सर। अरे क्या तुमने अभी गाड़ी चालू की? पागल मत बनाओ मेरे को, मैंने सुना है तो मुझे इस तरह से लाइव बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने गाड़ी चालू की है, ये कोई क्या मिक्सर ग्राइंडर की आवाज थी? बताओ यार, चालू लेक्चर में से लोग भाग जा रहे वक्त। रुक जाओ यार, पढ़ा लेने दो। क्या तरीका है यार किसी चीज में टीचर के साथ? क्या गेलना है हमें कुत्ता? अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी कहता आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर में चले जाना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ा लो फिर भाग जाना। ये देखो, डिड यू नोटिस कि सोडियम को भी और क्लोरीन को भी दोनों को वाटर ने सराउंड कर लिया। हाँ। सराउंड करने का तरीका देखो अलग अलग है।
राइट। सोडियम के टाइम पे वाटर ने अपना ऑक्सीजन आगे कर दिया था और क्लोरीन के टाइम पे वाटर ने अपना हाइड्रोजन आगे कर दिया है। डिड यू नोटिस दैट? ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन स्लाइटली निगेटिव होती है। इसके पास फ्री लोन पेयर होते हैं, राइट। तो सोडियम को लालच देनी है तो किसको हमने आगे कर दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव है। और क्लोरीन को लालच देने के लिए किसको आगे कर दिया? हाइड्रोजन को, बिकॉज दैट इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चाहे जो भी किया हो मैंने, क्या आप एक बात देख सकते हैं कि अब Na और Cl कभी नहीं मिल पाएंगे? ये बहुत ही दुखद अंत रहा उनका। आखिरकार जमाने ने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया, जुदा दोस्तों कर दिया। और तुमको पाप लगेगा, ठीक है? हमारा भी ब्रेकअप होगा। अरे रुक जाना यार, स्पीच तो पूरी करने दे यार, इतनी मुश्किल से लाइंस बनाई यार, बोल तो लेने दो यार। ठीक है चल, तू पूछ। भूल गए ले, मैं भी भूल गया। फिट्टूस, हाँ फिट्टूस, मैं भी भूल गया, तू भी भूल गया, फिट्टूस बताओ ना सर। अरे ठीक है ना, क्या हो तो क्या, यही था। अब वो जो वाटर ने Na प्लस और Cl माइनस को सराउंड कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल दोनों आयंस को सराउंड कर ले रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अब जब नमक को आप पानी में डालोगे तो ये दोनों काम होंगे कि नहीं? पहला कि वो सॉलिड टूटेगा, उसमें कुछ डेल्टा एच आएगा, ये रहा वो डेल्टा एच, यस। और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स उन आयंस को सराउंड कर लेंगे, उसमें भी तो कुछ डेल्टा एच या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो क्या आप लोग ये मानते हो कि नहीं कि जब जब आप किसी भी नमक या किसी भी सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये दो डेल्टा एच होंगे? नहीं मानते हो आप लोग? मैं गाँव जाऊ? मानते, मानते। और इस पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा, क्या आप ये भी मानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा, मतलब मैं क्या बना रहा हूं वहां पे, सॉलिड को पानी में डालूंगा तो जो बनेगा वो क्या होगा? शरबत, शरबत, राइट राइट राइट, घोपू घोपू पेन सॉल्यूशन बनेगा ना। सॉलिड को जब पानी में डालते हैं क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन। अगर कोई मेरे से पूरा सॉल्यूशन पूछे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों डेल्टा एच को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे पूरा डेल्टा एच पता मिल, सॉरी पूरा डेल्टा एच मिल जाएगा कि नहीं? तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? तोड़ने में जितना डेल्टा एच लगा प्लस हाइड्रेशन में जितना डेल्टा एच लगा, दोनों को जोड़ दो, आपको सॉल्यूशन का डेल्टा एच मिल जाएगा। समझा? यही मैंने आपको यहां पर भी समझाने की कोशिश की थी। कहां पर? यहां पे। अब जरा आप लोग ये नोट्स को पढ़ोगे तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। देखो वही हुआ है कि नहीं, स्टेप वन में दोनों टूट गए, उसमें थोड़ा सा डेल्टा एच निकला। स्टेप टू में दोनों को वाटर ने सराउंड कर लिया, उसमें थोड़ा सा डेल्टा एच निकला। और ओवरऑल डेल्टा एच क्या है? इन दोनों डेल्टा एच का समेशन। यस हाँ सर। और वहां एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसपे तुम में से किसी का ध्यान नहीं है। इफ यू नोटिस, तो आज पहली बार आपको पता चला कि जब नमक को पानी में डालते हैं तो 4 किलो जूल की हीट निकलती है। तो नमक को पानी में डालना एक, सॉरी 4 किलो जूल की हीट देनी पड़ती है। तो नमक को पानी में डालना एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए आपको चम्मच से उसको चलाना पड़ता है। देखा है, नमक डाल के आपको स्टर करना पड़ता है। वो स्टर आप जो करते हो ना, वो आप 4 किलो जूल की हीट देने के लिए करते हो। अगर आप नमक को एकदम स्लोली 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 पानी में डाल दो, बिल्कुल स्टर ना करो, थोड़ा सा भी हीट ना दो, वो घुलेगा ही नहीं। कब घुलेगा? जब आप 4 किलो जूल की उसको हीट दोगे। वो हीट आप कैसे भी दे सकते हो, धूप के थ्रू दे सकते हो, चम्मच से स्टर करके दे सकते हो, ग्लास में मुंह डाल के तुमने खुद ही ऐसा फूक मार के ऐसा कुछ कर दिया, इसको कुछ भी, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, यू आर मास्टर इन दैट, ठीक है। मैं जानता हूं आपका जो गिलहरी जैसा मुंह है, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये सबको नहीं मिलता इस तरह से गिलहरी जैसा मुंह। आप एक बार जंगल जाएं, आप जंगल जाएं, जंगल के सारे जानवर अगर आपको भैया दीदी करके चिल्लाते हुए आके नीली पड़ गए तो बोलना, कहाँ थे आप अकेले कहाँ चले गए, आप 10th पास हो गए सर। आप देखिए एक बार, आप जाएं जंगल जाएं। बोलता हाँ फिर पाई जी थी, पाई जी थी।
हेलो क्वेश्चन समझ गया सबको? डन। तो मैं क्वेश्चन समझाने में कामयाब रहा और आप आज के बाद ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी को बताओगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि नमक को पानी में डालो तो एक मोल नमक को पानी में घोलने के लिए 4 किलो जूल की हीट लगती है, वो आप चाहे जैसे दो। समझा? एक मोल नमक के लिए पता चला एक डब्बा डाल के 4 किलो जूल डाल के बोले देखो झूठ पड़ाता है, ये हो ही नहीं रहा, घुल ही नहीं रहा। एक मोल के लिए इतनी लगती है, 10 मोल डाल दोगे तो 40 किलो जूल दे देना, ठीक? वो पर मोल पे ध्यान दो। डन। हाँ सर। अलविदा दोस्तों, आज हमारा सफर यहीं तक था, अच्छा लगा तुम मेरे साथ एंड तक बने रहे, तुमको मौत नहीं आई। मेरा समय अब पूरा हो गया है, जिंदगी का नहीं लेक्चर का, मर नहीं रहा हूँ मैं, अगले लेक्चर में फिर आ जाऊंगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके सर। कौन है ये, कौन है बदतमीज? मैं पता करके बताता हूँ कि जंगल वाले हिंदी बोलते हैं कि मराठी बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि वहां जाने के बाद कंफ्यूजन हो। तेरा क्या भरोसा, तू जंगल के जानवरों पे चिल्ला देगी कि ये बगा हन्ना बगा, ये महाराष्ट्र राउन थे मराठी बोलत ना ये लोग, वहां पे भी आके बढ़ जाएगी भाई। मैं बात करके बताता हूँ, उसके बाद जंगल जाना, ठीक है? आप बोलोगे? हाँ सर। हाँ मैं बात करूंगा सर के पहचान में। चलिए अब बाय भी मैं बोलू, पढ़ाऊ भी मैं, बाय भी मैं बोलू। सर बाय सर। बाय सर। नाइट सर। नाइट सर। लेक्चर हो गए क्या रे? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। और अपना वो मैथ्स का बाय सर, बाय मुझे भेजो, ठीक है? हाँ सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। ये बायो का लेक्चर नहीं क्या? क्या बोले? और कोई नहीं लेक्चर बेटा, मैम का थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था उनके पे, इसलिए उनका लेक्चर कैंसिल करके लेक्चर, ठीक है? हाँ सर। चलेगा। ओके बेटा, बाय।